नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो इंडियन पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आने वाले पार्सल को कैसे ट्रैक किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इंडियन पोस्ट या स्पीड पोस्ट के पार्सल को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में इंडिया पोस्ट लिख के सर्च करना है। हम जैसे इंडिया पोस्ट लिख के सर्च करेंगे, हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की लिंक है, उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जिसमें हमें कंसाइनमेंट नंबर और ये कैप्चा डालना है। तो कंसाइनमेंट नंबर हमारे पास स्पीड पोस्ट बुक करते हैं उस समय मैसेज के प्राप्त मैसेज से या रसीद में प्राप्त होते हैं। तो जो अपने मैसेज में कंसाइनमेंट नंबर आए हैं वो यहाँ डालने हैं। वो यहाँ डालने के बाद में ये जो नंबर है इसका पांचवा अक्षर हमें डालना है। तो हम इसका पांचवा अक्षर डाल लेते हैं। इसका पांचवा अक्षर डालने के बाद में यहाँ नीचे ट्रैक नाव का ऑप्शन है, उस ट्रैक नाव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम जैसे ट्रैक नाव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पार्सल की जानकारी आ जाएगी, जहाँ हमें देखने को मिलेगा कि हमारा पार्सल कहाँ है, डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। तो आप हमें यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पार्सल 23 तारीख को बुक हुआ था, जो कि 27 तारीख को डिलीवर हो चुका है। और हम यहाँ अपने पार्सल का स्टेटस देख सकते हैं। इस प्रकार से हम इंडियन पोस्ट या स्पीड पोस्ट के पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं।